ऑस्ट्रेलियन गोल्ड है जी। तीसरा साल से मेरा, दूसरा साल मेरा से, इस तो पहले मेरे एक अजीज लगाई से उन्होंने, फिर मैं भी लैक 70+ से दी, 70 मन तो ज्यादा पैदावार है फी एकड़। और दूसरी खूबी यदि है वेके का, चूंकि तना बहुत लंबा होंगे, 5-5.5 फुट तक ये कद चला जाता है और काफ़ी मजबूत तना है, वो वजह तूड़ी काफ़ी बन जाती है अपने माल डंगर वास्ते, वो कमी नहीं रही, और तूड़ी फिर बस तूड़ी बड़ी टेस्टी है, डंगर बड़ा खुश होकर खाता है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा सारे जायके दे हवाले नाल दसो, का जायका कैसा है? जायका बहुत अच्छा है इस कणक का जी, और खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, खाने खाने के हक भी बहुत अच्छा है, और शुगर कंटेंट भी बहुत थोड़े ने। अस्सलाम वालेकुम सजनों ते बेलियो, की हाल ने? उम्मीद करता हाँ कि बिल्कुल जबरदस्त। दोस्तों जनाबे वाला अज वीट दे विच एक ऐसी जबरदस्त वैरायटी तुहाडे नाल शेयर करने वाले हैं, और उस वैरायटी दीयां दो खूबियां ने, एक तां ओ जनाब हाई यील्ड, यानी कि उसकी पैदावार बहुत ज्यादा आती है, और उस तो बाद जनाब उसकी तूड़ी बहुत ज्यादा बनती है। तूड़ी क्यों बनती है? उसका कद बहुत ज्यादा होता, स्ट्रा उसका बहुत ज्यादा, इस वजह तो उसकी तूड़ी भी बहुत ज्यादा बनती है। दो खूबियां ने, पैदावार ज्यादा तो तूड़ी ये ज्यादा बनती है। वो गंदम केड़ी है, साढ़े नाल फार्मर मौजूद हैं, उन्होंने पिछला 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल के एक्सपीरियंस तो बाद वो साढ़े नाल शेयर करना चाह रहे हैं, और असं चाहते हाँ कि मजीद फार्मर्स जोड़े ने भी ये चीज़ लगा के अपनी जरूरियात गिजाई भी और तूड़ी दरूरियात भी पूरी कर सकन। तो देर नहीं करते, फौरन तो पहले असं थोड़ा मेहमान नाल तारफ करवाने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, की हाल है जी? ठीक हो, खैरियत नाल जी? जी अलहमदुल्ला सर। सब तो पहले अपना नाम और इलाके का तारफ। मेरा नाम मुहम्मद अशरफ तूर जी, एक कांडीवाल रोड से 6 किलोमीटर का फासला बाईपास तो 97 जनूबी जी। तो बेसिकली मैं तो डूंगी 105 रुपये का जी, तो इतने मैं काफ़ी अरसे तो मेरी रकबल काश्तकारी करते हैं जी। माशाल्लाह सर जबरदस्त। तुसी सर दस्या जदों के एक हाई वैरायटी है तुहाडे कोल, तो मैं रह नहीं सकिया, मैं आख्या भी असं क्यों ना सारे दोस्तों नाल शेयर करिए, क्योंकि लोग जड़े ने वो गड़ गड़ के कोई 40-42-45-50 तो उत्ते तो जाती ही नहीं कोई भी किस्म, ए पिछे जो दिल कश है उन्हें अच्छा रिजल्ट दिता है, 50-55-56 तक गई है, तो तुसी काइंडली दसो का वैरायटी का नाम की है? ये ऑस्ट्रेलियन गोल्ड है जी। तीसरा साल से मेरा, दूसरा साल मेरा से, इस तो पहले मेरे एक अजीज लगाई से उन्होंने, फिर मैं भी लैक शुरू की थी। अच्छा सर, इसकी की मैक्सिमम की आई है? ये 70+ से दी, 70 मन तो ज़्यादा पैदावार है फी एकड़। और दूसरी खूबी यदि है वेके का, चूँकि तना बहुत लंबा होंगे, 5-5.5 फुट तक ये कद चला जाता है, और काफ़ी मजबूत तना है, वो वजह तूड़ी काफ़ी बन जाती है अपने माल डंगर वास्ते, वो कमी नहीं रही, और तूड़ी फिर बस तूड़ी भी बड़ी टेस्टी है, डंगर बड़ा खुश होकर खाता है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा सारे जायके दे हवाले नाल दसो, का जायका कैसा है? जायका बहुत अच्छा है इस कणक का जी, और खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, खाने खाने के हक भी बहुत अच्छा है, और शुगर कंटेंट भी बहुत थोड़े ने। माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा सर यह दसो कि स्विंग का सब तो बेस्ट टाइम किहड़ा है? इसका बेस्ट टाइम है कि जी मिड अक्टूबर तो पहला पहला लग जानी चाहिए जी, और रेज बेड से लगाई जाए। मैं तो सब दोस्तों रिकमेंड करांगा कि गंदम जी है जी भी वरायटी लगाई है रेज बेड से लगाना चाहिए जी, और मिड अक्टूबर तो पहले लग जाए, इनू टाइम ज़्यादा चाहिए तैयार होने वास्ते, और बहुत अच्छी क्रॉप होएगी, बहुत अच्छी फसल होएगी, और पैदावार भी काफ़ी ज़्यादा होएगी। सर रेज बैड ते तुसी चोपा दा मशवरा दे रहे हो या तुसी ड्रिल दा? ड्रिल भी की जा सकती, ड्रिल दा होएगा कोई बीज थोड़े ज्यादा लग जाएगा, और जैसे कोई 12 किलो ला लागे ड्रिल दे उते, चोपे लगावांगे ते साढ़ा 6 किलो 5-6 किलो से गुजारा हो जाएगा जी। एदा ऑस्ट्रेलियन बीज दा, ऑस्ट्रेलियन गोल्ड, अगर कोई रेज बैड ते ड्रिल नहीं कर सकता, चोपा नहीं ला सकता, उसकी मजबूरी बन जाती है किसी भी वजह नाल कि वो छट्टा करना चाहता है, तो फिर उसको कितना बी पाना चाहिए? हाँ छट्टा करे तो फिर कम से कम बी तो 25 किलो पाना चाहिए, छट्टा करके तो फिर ओड़े कट दे ताकि खेड़ा जी बन जाएंगी, वो पानी की बचत हो जाएगी, कुछ ये फायदा होगा, थोड़े पानी का जितने पानी की कमी है उतने मैं मशवरा देंगा कि ओड़ा कट दो फिर। ठीक हो गया जबरदस्त। अच्छा सर थोड़ा एक्सपीरियंस मैदानी इलाके का है जी, मैदान किस किस्म की जमीन से? जमीन है पक्की मैर है जी, पक्के बाटर ही मैर है, और बहुत अच्छी है जी जमीन साड़ी, अलहमदुल्ला जमीन है, कोई कमी नहीं है। अच्छा सर साढ़े को नहरी पानी भी है, ट्यूबवैल वाला भी सिस्टम है, बोरिंग सिस्टम है? हाँ जी। अगर कोई ऐसा इलाका जिथे पानी की कमी है, जैसा कि पहाड़ी इलाक उ जिमें
बारिशों से ही सारा सिस्टम होता है, बारानी इलाका या फिर जरा सहराई इलाका है, अगर कोई उत्ते फार्मर ट्राई करना चाहता है की रिकमेंड कर दो? उखो जो पानी तो जरूरी है, फसल में जो दो पानी भी कम मिल जाए उन्होंने तो गुजारा हो जाएगा। उसे कोई शावरिंग का बंदोबस्त कर ले बंदा, कोई ना कोई बंदोबस्त करना पेगा जी, बाउजर लगा लवे वो उत्ते रेन गन ला लवे। मेरे को एक साइड से रकबा है, मैं सर उत्तर जौ काश्त कराँगा तो 7 एकड़ नहरी पानी कोई नहीं, थले का पानी ठीक नहीं, लेकिन उत्थे मैं वो बना के बाकायदा रस्ते वगैरह तो बाउजर के ना उत्ते रेन गन इस्तेमाल करके उसे काश्त करा, पहला तजर्बा करा मैं रेन गन के उ, और मैं यही मशवरा देंगा और कामयाब हो सकता है जी। उन्हें ठीक हो गया, जबरदस्त है। अच्छा जेडे फार्मर्स कहते हैं कि साड़ी पैदावार बहुत कम आती है और उस बाद तूड़ी जी बहुत कम बनती है, जैसा कि तुम शुरू के फरमाया कि यह ये दो मेन खूबियां ने, नया फार्म आने वाले फार्मर्स को की रिकमेंड करते हो इस किस्म के हवाले? देखो जी मैं रिकमेंड करा तूड़ी की जिन ज़्यादा जरूरत है वो आस्ट्रेलियन गोल्ड गांदा है, और तूड़ी ज़्यादा मिलेगी और पैदावार भी ज़्यादा बेहतर होएगी, लेकिन अपनी मैनेजमेंट उन्हें ठीक करनी पड़ेगी जी। सिर्फ सीड की क्वालिटी पर इनहसार नहीं करना, फर्टिलाइजर जी खाद वगैरह है वो भी बैलेंस दें, जरूरत तो ज़्यादा भी खादा ना दें, पानी की मैनेजमेंट भी प्रॉपर होनी चाहिए है, और जमीन की तैयारी सही हो, और बर वक्त काश्त होनी चाहिए है, लेट काश्त नहीं होनी चाहिए जी। जिस तरह मैं पहला गुजारिश की रेज बैड से शमालन जनूबन बैड बनाए जा, जिस हवा तेज़ भी चलती है वो हवा क्रॉसिंग का टाइम जगह मिल जाती है, ज़्यादा साड़ा पौधा गिरता नहीं जी, और जो गिरेगा नहीं साड़ी पैदावार ज़्यादा निकल आएगी जी, यही मशवरा देंगे जी। मैं माशाल्लाह जबरदस्त है। अच्छा सर तुसी बहुत अच्छी एक वैरायटी मुतारफ करवाई है और बड़ी अच्छी मालूमात जी, और तुसी की कहना चाहते हो जी? मैं तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेड़ा बहुत थोड़े लोग उत्ते काम कर रहे ने, इनू एक या तो बकरियां छोड़ दो जो 6-7 इंच उची हो जाए कंदम, कोई भी वरायटी होनू आने लापर लैंड तो, या एक ब्रश कटर मिलता अजकल मेरे खेती 35,000 का मिल जाता होगा, वो नाल एक दिन के अंदर 6-7 एकड़ भी वो कटाई की जा सकती है जी, एक बंदे की मजदूरी है वो मजदूरी दे दी जाए, वो फायदा होगा कि साड़ी टिंडरिंग यानी एक पौधे के तने जड़े ने वो 2-3 गुना बढ़ जाएंगे वो, और सानू एक कम अज़ कम 3 दफ़े की कटाई कर लेनी चाहिए जी। अक्टूबर मिड अक्टूबर या वो अगे पिछे असं काश्त करें अक्टूबर मिड अक्टूबर तो मरा दे 15 अक्टूबर या लगभग काश्त करा तो असं कम अज़ कम 3 दफ़े की कटाई कर सकते हैं जी। 15 दिसंबर तो पहला सानू कटाई का प्रोसैस मुकम्मल कर लेना चाहिए, जो 15 दिसंबर तो पहला कटाई वाला मामला सारा खत्म हो जाएगा, फिर असी वेखांगे कि टिलर जड़े ने तने जड़े ने वो किन्ने कुछ ज़्यादा बन रहे हैं और किन्ने मजबूत बन रहे हैं। जिस वक्त तना मजबूत होएगा वो गिरेगा भी नहीं, हवा का प्रैशर भी बर्दाश्त कर लेगा। यह सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जोड़ा मेरे दोस्तों ये अमल करना चाहिए जी। अच्छा सर जो तुसी चीज़ की है मतलब प्रूनिंग वगैरह तुसी की है, कितने एक मैक्सिमम और मिनिमम टिलर बने रहे? मेरे ये जी कुछ पौधे तो ऐसे सन कि 50-55 तक टिलर गए थे उन्होंने, लेकिन मैं एवरेज लावा तो 35-40 टिलर ने जी, एवरेज 1 एकड़। ठीक हो गया। फर्टिलाइजर प्लान के बारे गल कर रहे सो, तो पक्के वाड़ की जमीन ने ये तुसी की फर्टिलाइजर प्लान रखे? देखो मैं DAP इस वास्ते इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि जल्दी फिक्स हो जाती है और साढ़े हार्ट पैन में ज़्यादा उत्ते ले आती जी, पानी जी एब्जॉर्प्शन है लीस्ट होती है या पानी जजब करने की कैफियत है उन्होंने कटा दें, वो मुतबादल मैं फिर नाइट्रोफॉस वो इस्तेमाल कर लेना जी, और वो थले पता बैग यूरिया दे लीजिए जी, सल्फर ह्यूमिक एसिड वो इस्तेमाल करीद, उस तो बाद दूसरे पानी से जाके क्योंकि रेस बैठते होंगे पानी फौरन लग जाता जी, दूसरे पानी जाके अद्धा बैग यूरिया फिर दे देना जी, फिर उस तो बाद कोई 1 महीने तो बाद जाके अद्धा बैग, फिर टोटल यूरिया इन्ना क होंगे एंड के उत्ते जाके मार्च तो पहला फरवरी के अंदर पोटाश जी अद्धा बैग वो दे देने जी, और नटीवो जी एक्सप्रे कर देने जी, या कोई बीड्स वगैरह कोई काश निकल आए कोई जड़ी बूटी उगाई है वो वास्ते जी जे जिस जड़ी बूटी होंगी मुताबिक स्प्रे करती जाए। ठीक हो गया जबरदस्त। अच्छा एंड दसो कि बाकी जितनी भी इकसाम हैं गंदम दी उन्होंने नाल ही तैयार हो जाती है या अगे पिछे तैयार होंगी जी? वो ही तैयार हो जाती है, तैयार वो ही हो जाती है, टाइम चुके पहला मिल जाता ज़्यादा अक्टूबर तो पहला
अक्टूबर के शुरू चला लें यदा जो टाइम जिन्ना कोई चाहिए वह इन मिल गया होंगे या दूजे नाल काश्त हो तैयार हो जाती हार्वेस्ट हो जाती दूजे नाल। लो जी सजनों असी आज आस्ट्रेलियन गोल्डन के बारे गल की मेन दो खूबियां एक तो हाई एड 70+ इसकी एवरेज है और बाकी स्ट्रा बहुत ज़्यादा होंगे साढ़े पाँच तो साढ़े पाँच फुट का कद हों उस वाले नाल भूसा तूड़ी जिन्हों कहते हो वह ज़्यादा निकलती है दो खूबियां इस गंदम के मौजूद ने और यदि टिलरिंग बहुत ज़्यादा बूटा वो सारी डिटेल जी वीडियो देखिए। तो अच्छा सर यह दसो कि अगर किसी को बीज रिक्वायर हो तो वह अवेलेबल है जी अवेलेबल है बीज मौजूद है जी मेरे को जी जी ठीक महदूद मकदार ही मेरे को सीड मौजूद है जी जी ठीक हो गया। लो जी दोस्तों अगर किसी को बीज चाहिए होवे तो वह जनाब स्क्रीन पर नज़र नंबर पर रबता करके बीज भी ले सकते हैं और उम्मीद करता है कि तुम्हारा वीडियो पसंद आई होगी और अगली नई वीडियो तक इजाज़त दो अल्लाह हाफिज़।